वेलकम टू डोलियन किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पुए यानी कि गुलगुले की रेसिपी। वैसे तो इसको हम कभी भी बना के खा सकते हैं, लेकिन इसको सर्दियों में और बारिश के मौसम में ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो गुलगुले बनाने के लिए मैंने आटा लिया है, ये मैंने गुड़ लिया है और सौंफ लिया है 1 चम्मच, और तलने के लिए ऑयल लिया है। तो सबसे पहले हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। तो ये मैंने पहले से ही मेल्ट कर लिया है। गुड़ को मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। आप चाहें तो गुड़ और पानी गैस पे रख देंगे तो आसानी से गुड़ मेल्ट हो जाएगा। तो हम गुड़ को पहले छान लेंगे। अब आटे में थोड़ा थोड़ा गुड़ को डालते हुए हम घोलेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते हुए घोलना है, एकदम से नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको घोल लेना है। इसको बिल्कुल अच्छे से फेंटना है। जितना इसको फेंटेंगे उतना ही ये फूला फूला और अच्छा बनेगा गुलगुला। अब इसमें हम सौंफ को भी डाल देंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक और फेंट लेंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें कहीं भी गुठलियाँ ना हो। अब ये अच्छे से फिट चुका है। अब इसको हम ढक के 15 से 10 मिनट तक रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। 15 मिनट हो चुका है, अब चेक कर लेते हैं। आटा फूल के बिल्कुल तैयार है। देखिए, ना इसको ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा गाढ़ा। गुलगुले बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैटर है ये। अब चलिए गुलगुला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गैस पे ऑयल रख दिया है। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब गुलगुले बना लेते हैं। ऐसे स्पून से या आप हाथ से भी इसको बना सकते हैं। इसको उलट पलट लेंगे। गुलगुले दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए कितने फूले फूले निकल रहे हैं। देखिए कितने फूले फूले बने हैं। अब ऐसे ही करके सारे गुलगुले तल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे गुलगुले बना लिए हैं। देखिए कितने फूले फूले और स्पॉन्जी टाइप के बने हैं। आप ज़रूर इस टाइप से गुलगुले बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।